मैं ना छट्टू जी के लिए खाना लाई हूँ, और प्लीज आप इन्हें डाल दीजिए। आप खुद ही दे दो इसको खाना, दे दो। मैं ना खिला देती हूँ छट्टू। हेलो छट्टू, वो ना मैं ना आपके लिए खाना लेके आई हूँ, और इसमें ना आपकी बहन का बहुत ज्यादा प्यार है, उंगलियां चटते रह जाओगे तुसी। आलो। सड़े तेन शर्म नहीं आती है? मेरी पप्पी लड़ी तू, मेरा मन कर रही तेरा मुंह ते नहीं जोड़ दे, जुत्ता मारा ना कस के तेरी नाक चप्पी कर दवा मैं, सड़े पत्तमीज आदमी। कुड़ी पटाका। आपने यहाँ पे बैठ के लौकियां घिस लो, टमाटर भी ला दूंगी, सलाद का ट्रक पा लियो। दरोगा साहब थोड़ी तीखी है। बहुत मतलब ऐसे उतावला हो रहा है, इलाज करना पड़ेगा तेरा छटंगी पिंकी जी को। बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ, सबको पता है। अरुण तू बहुत महंगा वाला फल ले आई है, संतरे क्यों ना ला रही है? देख अभी जो है जाड़ों का टाइम चल रहा है, इस टाइम तो संतरे और मूंगफली खाने का जो है मौसम हो रखा है। इलायची के पापा संतरों को ना भूल ही जाओ, इस बार बारिश ने ऐसा नाच नचाया है कि सारी फसल खराब हो गई है, पता नहीं कब मिलेंगे संतरे। अरे तूने जो है फल वाले से ठीक से पूछा ना होगा, बात कर रही है तू भी। पूछा था इलायची के पापा, उसने कहा मेरे पास 1 किलो संतरा है, उसे मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा, और 5 साल बाद जब निकालूंगा तो वो 2 किलो हो जाएंगे, तब बेचूंगा। बात कर रहे हो बेकार की। इस मौसम में सबसे सस्ता जो है वो संतरा ही एक ऐसा फल है जो खा सकते हैं। अब बता क्या खाऊं मैं? मेरा दिमाग जो खाली है। खाली है दिमाग, तभी तो तुम्हें पसंद किया मैंने, तो भागी फूट गया। अरे सुन तो ले, अरे तू तो एकदम जो है गुस्सा हो जाती है, रोने लगती है। अरे सुन तो, तेरे दिमाग में तो जो है फूल बरत रहे हैं। संजना, आप तू ये संतरे कहाँ से ले आई? करूँ तो कह रही थी कि बाजार में संतरे ना बिक रहे। जी वो दरअसल क्या है, मुझे पता है ना कि आपको संतरे बहुत ज्यादा चंगे लगते हैं, और अगर फ्री में होता तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है ना, तो मैं ना बस आपके लिए आखिरी संतरा उठा के लाई हूँ पाजी। संजना तुमने जो है कमाल कर दिया, मतलब मेरा आज खाने का इतना मन था संतरा के क्या बताऊं, खुशी के मारे मेरी छाती फूल रही है। मेरी नहीं, क्या हुआ? संजना ये दुपट्टे को ऐसे क्यों ओढ़ रखा है तुमने? हाँ तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, ठंड तो ना लग रही? वो दरअसल क्या है ना कि ये दुपट्टा मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने ना अभी बहुत रिसेंटली लिया है, और मुझे ना ये डर है कि ये कहीं उड़ ना जाए। नाइस जोक्स। अरे दुपट्टा है, कोई पतंग ना जो उड़ जाएगी। वैसे दिखा तो मुझे ना इलायची के लिए ऐसी फुलकारी के दुपट्टे लेने थे। वो ये वाला ना, दरअसल क्या है इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो क्या है ना कि तवा पे वो रोटी नहीं होती, वो रोटी फुलाने वाला कपड़ा नहीं होता है आंटी जी, बिल्कुल वो क्वालिटी का है, मतलब उससे भी गया गुजरा है। अरे क्वालिटी खराब है तो तूने ओढ़ रखा है? वो क्या है ना, मैं तो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं हूँ, लेकिन इलायची तो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। अरे क्वालिटी छोड़, देखने तो दे कपड़ा का। अरे दिखा, अरे दिखा, सुन मैंने ये संतरा तो पूरा खा लिया, अगर एक और ले आती तो अच्छा रहता।
अरे अच्छा बच्चों भी रोगा भी बताती हूँ। अरे तेरी देखा पकड़ लिया, देखा एकदम गुप से गुप पकड़ लिया, कितना बढ़िया शानदार कैच पकड़ा हमने। पिंटू जी आप जानते हैं आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ना कैच पकड़ते रह जाएंगे और लड़की ना आपके हाथ से फिसल जाएगी। भरी बढ़िया तू सुनू देख लो। हाँ? क्या हाँ, जाओ जाके बैठो वहां पे, गेम खराब करो जाओ। ए यार अरे क्या हुआ, सिग्नल लाइट की रेड लाइट क्यों बनी पड़ी हो, क्या हो गया, किसी मनचले ने छेड़ दिया क्या आपको? जी प्लीज मजाक मत करिए। और छेड़ा आपका वो जो माफ करेगा साला मामा है ना। लैंग्वेज लाइसी जी यार अपनी हदें पार कर दी यार उन्होंने इस बार। क्या हो गया? पप्पी ले ली यार हमारी। एक सेकंड मतलब ये मामा को खाना खिलाने गए थे, मीठा मामा ने इन्हें खिला दिया। ओह गॉड। अरे यार इलायची जी आप क्यों मजाक कर रही हैं यार, हमारा माता पहले से ही बनाया हुआ है, प्लीज मत छेड़िए इस समय हमें। और इलायची जी हम बस हमने सोच लिया ये नारी का अंत, बस अब हम और नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है। इलायची जी विग मेकअप क्या है यार, इलायची जी ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे भाई। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया है, जुमा जुमा चार दिन ना हुए तू परेशान हो गया, अबे पूरे दो साल झेला मैंने ये सब ड्रामा। अबे तो साले कौन सी बड़ी बात कर ली, तू तो बचपन से ही ऐसा हिला हुआ था, याद नहीं है शीशे के सामने ऐसे लिपस्टिक लगा के मेरी मम्मी की ऐसे शक्लें बनाता था। व्हाट? हाँ पिंटू जी वेरी बैड, बचपन की बात है। अरे हाँ भाई लेकिन तेरे अंदर ये बात हमेशा से थी भाई, तेरे लिए लड़की बनना आसान था लेकिन हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से मरते हैं और रहेंगे। और इलायची जी ये विग मेकअप पहन के हमारे अंदर का मर्द जो है ना डर जाता है, सहम जाता है। अरे यार जीजा जी प्लीज एडजस्ट। क्या एडजस्ट करें यार इलायची जी, कितना एडजस्ट करें यार, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारा एक संतरा भी गिर गया यार, और आपका पाप खा गया वो भी। ये कब हुआ? अरे इलायची जी आंगन में फिसल गया यार और हमारा संतरा बाहर निकल के गिर गया और उन्होंने उठाया और खा लिया यार, देखा भी नहीं कि किसी और का हो सकता है। अब आप एक बात बताइए, मार्केट में संतरे भी नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से लाएं अब हम, क्या करें? कोई बात नहीं, ये टेनिस बॉल है ना उससे काम चला लेना और हम खेल भी लेंगे। हमें और हो गया आपका, हमें इस अवतार से मुक्ति दीजिए इलायची जी, वरना वो जो मामा के अंदर जानवर है ना वो कभी भी कूद के बाहर आ जाएगा, और हम बता रहे हैं हम नहीं रहेंगे, और ना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे यार। इलायची जी प्लीज कुछ करिए कि हमें ये नौकरी और आप दोनों मिल जाए यार, कुछ सोचिए। सोच रही हूँ। सोच लिया? कब सोचेंगी अब, कब बताएंगी इलायची जी, हम बता रहे हैं हम पहाड़ से जाके कूद जाएंगे, हम इतने परेशान हैं आपको पता नहीं है। पहाड़? पहाड़ से काम बन सकता है? हाँ पहाड़ अच्छा रहेगा, आइडिया अच्छा है, मजा आ गया एकदम, बहुत ही अच्छा आइडिया है। करो। अरे अरे करो जल्दी से चाय बना दे, ये पांच मिनट के जो है खामा खामा टाल मटोल कर रही है चाय पिलाने में। ला रही हूँ ये लो। इलायची के पापा क्या तुम्हें पता है ना चाय पीने से गैस हो जाती है पेट में। हाँ तो कोई बात ना होने दे, मैं तो बचपन से ही गैस सिलेंडर बनने के सपने देखा करता था। है सच्ची? हाँ घर का गैस भी खत्म होने वाला है, चल के बैठू ना सिलेंडर पे। सुनो नहीं क्या जिद कर रही है, मैंने बोला ना यार कि पापा की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाती हूँ, पापा की मर्जी के बिना मेरी जिंदगी में पंख तक नहीं हिलता है यार, तो फिर पहाड़गंज जाना जस्ट टू बिग फॉर मी प्लीज। नो पहाड़गंज क्या है वहां? अब वो ना सुनो की फ्रेंड ना शालू और उसके बच्चे का मुंडन है, तो उसने हमको इनवाइट किया बड़े प्यार से। लो सुन्नू की सहेली जो है बच्चा ले आई, और ये लोग जो है वार्मी की कक्षा में पास होने के नंबर भी ना ला पाए, बताइए। ओहो अंकल जी शालू ना वैसे भी हमसे 2-3 साल बड़ी है, और ना बचपन से उसका ड्रीम था बड़ों की मम्मी बनने का। हाँ चलो हम चले जाए क्या? अरे यहीं से बैठ कर तुम्हारे भेज दो है?
पैसा खर्च करके क्या मतलब है भाई? देखो कोई जरूरत नहीं। इलू सेल्फी। देखो भाई कोई जरूरत नहीं। इलू सेल्फी। देखो भाई कोई इलू सेल्फी। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। अरे आपने तो हमारे पंख उतर दिए ना, तो ऑटो लेके जाना पड़ेगा। अरे ऑटो ले, देख चांदनी चौक से सीधी मेट्रो जाती है, ऑटो में इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है भाई? अच्छा और बच्चे को मुंडन में मतलब शगुन क्या देंगे? मेट्रो का टिकट लो पकड़ लो। अरे यार पापा पैसे देने पड़ते हैं, कम ऑन। देख ऐसा है बच्चा छोटा है, बच्चे को पैसा देना अच्छी बात ना है, बच्चे की आदत खराब पड़ेगी। एक काम कर, ये 2 रुपए ले जा, इसकी लॉलीपॉप खरीद के बच्चे के हाथ में दे दियो, कहीं बेटा ये खाओ। सीरियसली मतलब 2 रुपए की लॉलीपॉप लेके जाऊं? पता है लोग क्या कहेंगे कि मुरारीलाल बंसल इतना बड़ा कंजूस है कि अपनी बेटी के हाथों से ना उसने 2 रुपए की लॉलीपॉप भेजे और कहने को कहा लो बेटा लो 2 रुपए की लॉलीपॉप ले लो, क्योंकि बच्चे तो हाथ में पैसे पकड़ते ही नहीं है। अरे कुछ ना कुछ नाटक जो है इसका चलता रहता है, कोई बहाना चाहिए, बस पैसे निकाल लो जब से। ये ले 501 रुपए दे दियो बच्चे को, जा। बहुत बढ़िया, ये लो 2 रुपए टिप रखो मेरी तरफ से, खुश रहो। इलू अंकल जी के फाइनली 501 रुपए देने वाली सेल्फी। ना पैसे मुझे दे। कौन था वाला खिंचा? आपने मुझे मम्मी समझाया क्या? चलो हरम जाते जाते मेरा मजाक उड़ा गई, क्योंकि तू खाती इतना है। मेरे तो भाग ही फूट गए। चलो भाई चलो चल, अरे चल तो रही यार, तू मार रहा है। अरे ये क्या है इलायची जी? अरे नकली है, नकली, बैठ नहीं सकते आप इस पे। क्या ना ललित अंकल का ना 3 दिन पहले ना यहीं पे नाटक था, तो उसके लिए नकली पत्थर उसने रखे हुए थे, मैंने उससे बोल के रुकवा लिया यहीं पर। तो मतलब अब आप इन पत्थरों के पीछे हम लोगों को चुनवा दोगी अनारकली की तरह? अरे मतलब करना क्या पत्थरों के पीछे, क्या करना बताओ तो, जो भी बता रही हूँ सुनो तो पहले। जीजा जी हाँ, आप ना लो एंगल से यहाँ पे लगाना एकदम शॉट, और एकदम ना ऐसा लगेगा कि मतलब पहाड़ी की चोटी पे खड़े हुए, ठीक है? अच्छे से शूट करना, और आपने डायलॉग्स याद कर लिए ना, सब परफेक्ट है, परफेक्ट। और मैं ना फिर एंड में आपको धक्का दूंगी एकदम ड्रामेटिक तरीके से गिरना, ठीक है? हेलो लाइसी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप ऐसा कातिलाना काम नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा आपको कतई नहीं करने देंगे। नो जीजा जी, आपको पंचम के रूप में घर और दुकान में वापस आना है कि नहीं? आना है तो बस यही जुगाड़ बची है, प्लीज। एक मिनट, हम समझाते हैं। देख भाई क्या है ना, इलायची जी ने जुगाड़ ढूंढ लिया है। ये जो हम लोगों को जो श्राप लगा ना साड़ी ब्लाउज का, समझ ले श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, है ना? हाँ ठीक है, चलो अब आप करूना रिकॉर्ड हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए चलो 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 चल चल चल, मैं तो ना बड़ी सारी एक्टिंग करूंगी, तू देख। आराम से इलो, मैं गिर जाऊंगी पहाड़ से। एक सेकंड, सुनो पहाड़गंज के पहाड़ पे क्या ठंडी हवा चल रही है, वो कितना मजा आ रहा है। हाँ इलो, पहाड़गंज के पहाड़ पे ठंडी हवा चलने वाली सेल्फी ले लो ले लो। पिंटू भाभी आप यहाँ? अच्छा तुम लोग यहाँ भी आ गए हमारा पीछा करते हुए? ओ जरूर उस मोटे खूंखट ने भेजा होगा मेरी जासूसी के लिए। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे तो कैसा बोले हाँ बताओ, हमें घर से निकाल दिया, हमारी नौकरी छीन ली, अब यहाँ हम अपना चाट का ठेला लगा के गुजारा कर रहे, वो भी ना देखा गया, अब भेज दिया यहाँ हमारी जासूसी के लिए। पिंटू भाभी आप अभी क्या बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो तुम्हारे बाप है ना, उनके सीने में दिल की जगह चट्टान फिट करा रखी उन्होंने, हैं बताओ घर से निकालते समय उनकी चर्बी जरा भी ना पिघली। पिंटू भाभी
अब आप हद पार कर रही हैं। मैं हद ना पार कर रही हूँ, अरे हद तो उस मोटे कुत्ते ने पार की है। हीलू, मिंटू भाभी ने अंकल जी को कुत्ता बोला। ले लो अंकल जी को कुत्ता बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे कुत्ता कुत्ता मोटा कुत्ता। चुप, नहीं चुपोंगे कुत्ता। मैंने कहा चुप। कुत्ता मोटा कुत्ता कुत्ता। आप समझ नहीं रहे, मैं कुछ कर बैठूंगी। क्या कर लूंगी क्या कर लूंगी। क्या बात है लैसी जी, क्या एक्टिंग की है यार आपने। आपका ये रूप देख के तो हम अंदर से भयभीत हो गए हैं ऐसे। अच्छी बात है जीजा जी। देखो बीवी का जितना मूड अच्छा रहे ना, उतना पति की सेहत के लिए अच्छा रहता है। ओके जीजा जी, समझ गए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस ये वीडियो देखते ही ना आपकी दुकान में और घर में एंट्री एकदम पक्की। ओए मजा आ गया। लाइफ में डंटी हो रखी है। आइए गले मिल जाइए। मजा आ गया है। आपको आया? ए चलो चलो नाटक आगे बढ़ाते हैं। हाँ, चलो 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 चलो, चलो। भाई तू तिल सही कर ले, तेरा तिल बिगड़ गया है। ओहो इलायची के पापा, तुम्हारे ऐसे चक्कर काटने से इलायची जल्दी ना आ जाएगी। क्या करूं उस लड़की का बता दूं, ऊपर से उसका फोन बंद है, बहुत फिक्र हो रही है, सच बता रही हूं। ओहो वो खुद को संभाल लेगी लाइच के पापा, तुम जानते नहीं हो क्या तुम्हारी बेटी चलती फिरती पिस्तौल है। देखिए बाप का मन तो ना मान रहा है, पता ना कहाँ चली गई है, सो ढूंढ के आऊं मैं उसे। अरे कोई पड़ोसिया के आने गई है, और दिल्ली कोई छोटी मोटी जगह है नहीं, आज निकलोगे तो 3-4 दिन बाद खुद पहुंचोगे घर पे। तू समझ ना रही है मेरी बात। अरे आगे बेटा चली गई थी, तेरा फोन भी बंद था। क्या हुआ बता तो इलायची। पापा वो रास्ते में ना, क्या हुआ किसी ने छेड़ दिया तुझे और तूने उसकी हड्डियां तोड़ दी। नहीं पापा वो तो क्या तेरा 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 पर्स जो था वो गुम हो गया। 500 रुपए दे दिए ना तूने। नहीं नहीं पापा वो। अंकल जी रो ये रही है, इससे भी बोलने का मौका दीजिए ना। अरे तो कौन सा मैंने इसकी जीप में कांड बांध दिया है, बोले ना जवाब दे। पापा मुझसे बहुत बड़ा कांड हो गया। हाय हाय क्या हो गया इलायची। आंटी जी बहुत ही बड़ा कांड होने वाली सेल्फी। मैं उस दिन ना पहाड़गंज गए थे और उसके पहाड़ पे खड़े होके ना ठंडी हवा खा रहे थे। वो कह रहे नवंबर में भीनी भीनी जो ठंड होती है ना उसका मौसम, तो उसका आनंद लेने का अलग ही मजा है ना सुन। अरे मैं तुझसे कौन सा मौसम की जानकारी ले रहा हूँ, तू आगे बता हुआ क्या। हाँ फिर हम लोग ऐसे हवा ले रहे थे तो अचानक से नजर घूमी तो मैं देखा पिंटू भाभी खड़ी है, मतलब चाट का ठेला लिए हुए, गर्मा गर्म चाट थी, खुशबू एकदम तेज आ रही थी, ऐसा लगता गर्मा गर्म एकदम गर्म मसाला डला होगा और इसमें हींग का चोखा होगा। अरे तूने ले लिया ना चटका, ले लिया ना चटका रे, तू आगे बता, बात बता आगे क्या हुआ। कोई चटकारे नहीं लिया हमने, हम तो फुल टाइम इग्नोर कर रहे थे उन्हें, कर रहे थे ना, लेकिन वो हमारे पीछे आ गई और जाने क्या कुछ नहीं कहा आपके बारे में, इतना भला भला बुरा कह रही थी कि मैं क्या बताऊं, कानों से खून निकलता था मेरे। अरे तो मैंने उसके जो है पति को काम से बाहर निकाला है तो मेरे बारे में कौन से भजन गाएगी वो, ठीक है हमें क्या करना, कह रहे थे जो कह रही है। पापा ऐसा वैसा नहीं, बहुत कुछ कहा है कि मैं बता नहीं सकती। सुनो तू बता क्या क्या कह रही थी। नहीं अंकल जी आप तो सुन ही नहीं पाओगे उन्होंने क्या कहा है। अरे ठीक है। पक्का सुनोगे? अरे ठीक है। कुत्ता कुत्ता बोला आपको
उन्होंने। देखो बिल्ली कहती ना तो मैं सह लेती, लेकिन कुत्ता व्हाट इज दिस? बोलती चली जा रही है। मैंने इग्नोर किया। फिर जब मैं नहीं सह पा रही थी ना तो मैंने वार्निंग दी कि पेंटू भाभी आगे आपने कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो बोले जा रही और मैं इतना गुस्से में आ गई, इतनी गुस्से में आ गई कि मैंने उन्हें पहाड़ से धक्का ही दे दिया। और वो टपक से खाई के अंदर। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? हरम, मैंने पिंटू को धक्का दे दिया, मेरे तो भागे फूट गए।